अट्रैक्टिव एक्टिविटीज किसको कहते हैं हो? टीचर और विद्यार्थी के हैं? जाने दो ना, काला पीला पर ध्यान दे, मैंने फालतू चीज पर एक ध्यान जा रहा है। अरे पढ़े पर, ज्ञान अर्जित पर ध्यान देना। तो पीला हरा रहे या काला रहे भैया, तू बच्चा लोग वाला ये सब चीज होता है कि? हाँ, तो कहता है कि क्लास में टीचर और विद्यार्थी में जो संवाद होता है ना, उसी को कहते हैं अंतर्निहित क्रियाएं, यानी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज। ये तो एक हुआ, उसके अंतर्गत और तरह की एक्टिविटीज आती है। तो कहता है कि किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? राइट, किसके अंतर्गत आते हैं? यानी अगर आपको कह दिया जाए, कोई मान लीजिए कोई नाटक है और उसमें सेनापति एक पात्र है, सेनापति, तो सेनापति के जगह पर आप अपने आप को रख करके आप जो लिखते हैं, सेनापति के जगह पर लिख रख करके उस नाटक में जो बातें हैं, उस बातों को अपने शब्दों में जो आप लिख देते हैं, वो क्या हो गया? तो साफ तो कह रहा है किसी के स्थान पर स्वयं को रखना। तो उस क्वेश्चन में इसका जवाब छुपा हुआ है, यानी एक्स्ट्रापोलेटिव। एक्स्ट्रापोलेट कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेटिव। तीसरा क्वेश्चन क्या है हो? पोर्टफोलियो का। पहले पोर्टफोलियो बताओ तो कि होता क्या है? बच्चा, हर एक बढ़िया स्कूल के बच्चा का बैग खोलिएगा तो दो गो रिपोर्ट कार्ड, एगो तो एग्जाम वाला रिपोर्ट कार्ड होता है, वो तो एग्जाम होने जब रिजल्ट आता है तब वो मिलता है कि गार्जियन से दस्तखत करवा के लाओ, और एगो रिपोर्ट कार्ड रहता है जो उसके रोज रोज के या वीकली परफॉर्मेंस का, अंग्रेजी कैसा है तो गणित कैसा है तो बोलने में कैसा है तो अटेंडेंस कैसा है, ये सारी बातों का आकलन जो टीचर लिखता है उसको ही कहते हैं पोर्टफोलियो। क्लियर बा? आज के बाद नहीं भूलोगे? तो पोर्टफोलियो में इसमें से कौन सा काम नहीं होता है, बाकी तीन होता है। पोर्टफोलियो आकलन विद्या का एक बार में किया कितना गलत है। पोर्टफोलियो में जो आकलन लिखा जाता है वो पूरे विद्यार्थी के जीवन काल या कक्षा का एक दिन का ही रहता है, एक बार ही लिखता है, वीकली लिखाता है, वीकली जी, और उसके बाद फ्राइडे को शाम को बच्चा को मिल जाता है और मंडे को जमा करना पड़ता है अपने पेरेंट्स से दस्तखत करवा करके, गार्जियन से। उसमें इतना ढेर सारा चीज रहता है ना, खेलने कूद में कैसा है, स्वच्छता में कैसा है, बोलने में कैसा है, इंटरेक्शन कैसा है, गणित कैसा है, साइंस कैसा है, बहुत तरह का चीज रहता है। हाँ जी जी जी, एकदम एकदम एकदम, उसको देखने के बाद बुखार चढ़ जाता है, कोई गार्जियन उतना नहीं पढ़ पाता है। हाँ, एक 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 के बार उसका आकलन उसमें लिखा जाता है पोर्टफोलियो में, वो इतना बड़ा बुकलेट रहता है बाप। यह विद्यार्थियों के चिंतन को पोषित करता है, अपने मतलब अपने अधिगम को स्वयं निगरानी करने में सहायता भी करता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों के मतलब माने चाइल्ड डेवलपमेंट तो होता है ना इससे, कि आपके पोर्टफोलियो में जो रिमार्क मिला है उसको देख करके, जहां जहां आपको निगेटिव रिमार्क मिला है वहां वहां कोई ना कोई विद्यार्थी तो सुधार करने के बारे में सोचेगा ना। तो ये वही कह रहा कि चिंतन करता है, विविध परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त तो प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें आवश्यक है। क्या हम व्याकरण अगर सिखावें सही मायने में, तो बेस्ट तरीका क्या है व्याकरण सिखाने का? रटवा दे रूल कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग,
प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन अ प्रोनाउन, एकरा से तू एडजेक्टिव का प्रयोग कर लोगे, विशेषण का प्रयोग कर लोगे, पागलपन है। तो हम एक पैराग्राफ लिखेंगे किसी एक चीज पर, और वो एक विषय पर होगा, जैसे मान लीजिए स्कूल पर है, तो जितना भी वर्ड उसमें यूज होगा वो सब स्कूल से संबंधित होगा, और ज्यादातर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा। अब उसके माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग यहाँ क्यों हुआ है, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग क्यों हुआ है, सिंगुलर नंबर एक वचन का प्रयोग क्यों हुआ है, राइट। संदर्भ के माध्यम से अगर हम व्याकरण समझाएंगे वो सीधे दिमाग में छाप छोड़ देगा, और रटवा देंगे एकदम बकवास हो जाएगा। तो संदर्भ, कंटेक्स्ट, माहौल, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में हम अगर व्याकरण समझावे कि भाई वर्तमान काल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो वर्तमान काल का प्रयोग के लिए हम एक पैराग्राफ दे देंगे जिसमें किस किस तरह की बातें होंगी, दुनिया की जितनी सच बातें हैं, पृथ्वी गोल है, सूरज पूरब के सॉरी सूरज पूरब में उगता है पृथ्वी, ये जितना भी है ये सब एक संदर्भ देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी पेडागोजी के लिए ग्रामर मेथड बहुत पुराना, प्राचीन और गड़बड़ मेथड है, पूरी तरह से वैज्ञानिक मेथड नहीं है। हाँ, निगेटिव व्याकरण अनुवाद जो ट्रांसलेशन मेथड है ना व्याकरण सिखाने का, वो एक यहाँ तक जा करके रुक जाता है। आपका भाषा सीखने का लक्ष्य यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन अनुवाद विधि से अगर हम सिखावे कोई भी टीचर तो यहाँ तक आके रुक जाएगा, इतना उससे आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो लिख भी लेता है तो वो तो बोल ही सकता है ना, लेकिन क्या होता है ना कि अब मान लीजिए कि हम व्याकरण थी अनुवाद की विधि से अगर व्याकरण सिखा रहे हैं या भाषा सिखा रहे हैं, तो टीचर को बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा, विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा, मतलब नाम होगा भले अनुवाद का विधि, लेकिन उसमें सब विधि टीचर लगा देगा सिखाने के लिए, इंडक्टिव, आगमन, निगमन, सब विधि लगा देगा, तब समझ में आवेगा। तो इसका मतलब है कि व्याकरण विधि जो है वो सीमा से बंधा हुआ है, पूर्ण नहीं है। अरे भाषा के पाठ्य पुस्तक में, सॉरी नया आ गया था ना, भाषा के पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो भाषा किसके हिसाब से हो, हाँ बहुत आसानी से उसको समझ में आ जाएगा। हाँ जिस, अब हम यहाँ पर सुनिए, बिहार के बच्चों को, गांव के बच्चों को, उसमें हम पात्र दे दें टॉम, जॉन, है ना, मैकमिलन, तो पहले तो एकरे देख के बच्चा डर जाएगा कि बप्पा ये सब ऐसा नाम हो कि बोल रहा मुंह टेढ़ा हो जा रहा, राम, श्याम, मनोहर, ये सब नाम दीजिए तो उसको हाँ ले कर, तो ये सब तो हमारे गांव के लेकर है, मातृभाषा है, तो इतने परिवेश की बात कर रहे हैं, मातृभाषा नहीं परिवेश, ओकर परिवेश में राम है, मोहन है, श्याम है, नरेश है, ये सब टाइप के लड़का ने गाँव में, कि बिल गेट्स है और इस ना मिलेगा नाम, तो परिवेश के अनुसार से सिखाइएगा तो उसको मन भी लगेगा और सीख भी लेगा। अब आप खिलौना बता रहे हैं तो आप खिलौना बताइए कि अमेरिका के बच्चा लोग जो जो खिलौना से खेलता है वो सब खिलौना की तस्वीर देख लीजिए, मैं लड़का माथा पीट लेगा क्या, इसे तो जिंदगी में आज तक हम ना देखे हैं, उसको लट्टू दिखाइए, है ना, ओ ये वाला दिखाइए अंटा, हाँ मतलब वो सब टाइप की चीज दिखाइए ना, वो बढ़िया से, अच्छा ये भी खिलौने है, खेल है। हिंदी के कक्षा में प्रायः हिंदी तर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों, हिंदी की कक्षा में हिंदी तर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाई क्यों महसूस, मान लीजिए सही बात है कि एक अंग्रेज को अगर आप अंग्रेजी हिंदी सिखाइएगा तो उतना आसानी से वो नहीं सीख पाएगा जितना वो अंग्रेजी सीख लिया, वो तो एक्विजिशन करके आया है, तो क्यों प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कि दोनों भाषा या कोई भी दो भाषा के संरचना, बनावट, स्ट्रक्चर, ढांचा
अलग अलग होता है ना हो। कैसे? तो हम अगर कहते हैं कि राम घर जाता है, अंग्रेजी में लिखेंगे तो यहाँ राम तो ठीक है सब्जेक्ट पहला वर्ड है, लेकिन दूसरा वर्ड यहाँ आ गया एडवर्ब, और यहाँ अंग्रेजी में आ जाएगा क्या आ जाएगा दूसरा वर्ड वर्ब आ जाएगा। छोड़ नहीं यार कलर, अभी करेंगे कलर। तो राम गोज, तो ये प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ जो क्रिया है वो अंतिम वर्ड है, यहाँ क्रिया हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद दे रहे हैं, और ये जो एडवर्ब है उसको यहाँ दे रहे हैं राम गोज होम। तो क्या हुआ कि मात्र उनकी प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना यानी बनावट यानी ढांचा सांचा एकरे कहल जाए, ढांचा सांचा वाक्यों का सांचा ढांचा एकरे कहल जाता है, तो दोनों के अलग है ना, तो ये तो थोड़ा दिक्कत होगा ना सीखे में। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण हो सकता है कि उसकी कक्षा में सब ऐसे है, उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, मतलब उस ठीक से सोच नहीं पाती है, कुछ ना कुछ मानसिक प्रॉब्लम है उसको, उसकी स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर कमजोर है, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। बोला अपने से बताओ ना हो है? हाँ, जितना रट के गई है उतना लिख देगी, लेकिन उसके बाद का क्वेश्चन भी बहुत ही हल्का है, लेकिन उसमें हाथ ना लगा रही है। क्यों? क्योंकि वो आश्रित है रटंत विद्या पर, दिमाग लगाए वाला काम वो नहीं सीखी है करना, तो क्या करेगी, उसका इमेजिनेशन पावर कमजोर है। सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल यूनिवर्सल ग्रामर चोमस्की काहे के ले दिया कि सारा जितना भी मान लीजिए कि 10,000 भाषा होगा पूरा दुनिया में, इस सब के एकदम एकदम अंतिम एकदम बुनियाद पर, बुनियाद में जहां पर ये सब भाषा खड़ा है, बुनियाद में ये 10,000 भाषा का जो रचना है व्याकरण है वो 100% क्या है, एक जैसा है। तो इसलिए सब भाषा एक दूसरा से जुड़ल है, कनेक्टेड है। 98 जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तत्व, रीडिंग फॉर प्लेजर, दो तरीके से, सुन बता रहे, तो कोई भी आदमी पढ़ता है तो उसका दो कारण होता है, एक रीडिंग फॉर प्लेजर और दूसरा रीडिंग फॉर नॉलेज। स्कूलवा कॉलेजवा में जो आप किताबवा पढ़ते हैं वो प्लेजर के लिए नहीं पढ़ते हैं, परीक्षा पास करने के लिए। और क्यों पास करने के लिए क्या करना होता है, तो किताबवा से ज्ञान अर्जित करते हैं और वही अर्जित ज्ञान को आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख देते हैं, तो वो हो गया रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन या नॉलेज। और उसके अलावा जो कहानी के किताब पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये सब का है मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। तो ये बताइए तो केकरा में आप मन लगा के पढ़िएगा, मनोरंजने वाला में ना, वो तो मजबूरी में पढ़े पड़ रहा है, साइंस का झुकाव भी नहीं है लेकिन मजबूरी में साइंस पढ़े पड़ रहा है, मैथ बनावे पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही मुक्ति मिला उसको राहत मिलता है। तो क्या करेंगे कि अगर आनंद के लिए पढ़ता है इसका मतलब क्या है, वो विस्तार से पढ़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव, हाँ, इंटेंसिव, विस्तार से पढ़ेगा, राइट, बिल्कुल सही आपने कहा है। सरसरी निगाह हो गया, वही स्कीमिंग स्कैनिंग, बार बार ये लड़का भुला जाता है, स्कैनिंग में हो गया ना,
कि हाँ मान लीजिए एक पेज में पूरा लिखल है, लेकिन आपको कुछ खासे उसमें से कुछ खास जो चीज है उतने से मतलब है, तो आप उस वो खास चीज की चीजों को आप एकदम आंख गड़ा के पढ़िएगा, वो हो गया स्कैनिंग। हाँ, और आपको अगर पूरा जितना लिखा हुआ है उसका एक निचोड़ जानना है, एक सारांश जानना है, तो वो स्कीमिंग, वो सरसरी नजर से पढ़िए, यही होगी स्कैनिंग बारीकी। जी 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 जी, एक बार नहीं दर्जन बार लड़का सीख चुका है, लेकिन रोज भुला जाता है। पिछला छूट गया। बहुविकल्पीय प्रश्न को क्या लिखते हैं? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वही ना लिखते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ आता है जिसमें कुछ, जिसके अंदर कुछ वर्ड को हटा दिया जाता है, खाली स्थान होता है उसको, हाँ उसको क्लोज टेस्ट कहते हैं। निम्नलिखित, तो MCQ क्लोज टेस्ट, निम्नलिखित का मिलान करो, अब मैचिंग, ए वाला को बी वाला से मैच कराओ। आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा परीक्षणों में देखते हैं। ये किस तरह का ये टेस्ट है? MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये वस्तुनिष्ठ है या ये निबंध टाइप का, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन है वस्तु ने? अरे एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब ए बी, ये जो कर रहा है कोची है, यही MCQ ना है, तो इसको इसी को ना वस्तुनिष्ठ कहते हैं। ऑब्जेक्टिव, हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीपल हुआ ना, चार गो मल्टीपल, चार गो मतलब चार गो हुआ ना भाई, चार गो विकल्प है आपके पास, तो वस्तुनिष्ठ है ये। और ऐसे लिखवा रहा है वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, वो सब्जेक्टिव है, वो निबंध के तैसा लिखना है, क्या है निबंध। बायोग्राफी का बायोसिद्ध कितना रटबो यार, कि बायोग्राफी कहा कि समाज से भाषा को हम लोग सीखते हैं, समाज का बहुत जबरदस्त असर होता है, केकरा में है, जब दूसरों के साथ बातचीत करते हो भौतिक बचपन, वही समाज, वही आओ सामाजिक। ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अन्य भाषाएं भी सीखते जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसी को ना मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म की अंग्रेजी क्या है? बहुभाषिक सकक्षा। घरे तो बोला हूं मैथिली, भोजपुरी, और यहाँ पढ़ाई हो रहा है मान लीजिए अंग्रेजी में, तो धीरे धीरे ना सीखिएगा। हाँ, व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन मेथड, ये जो है सबसे पुराना विधि, हाँ भाषा सिखाने का सबसे पुराना विधि में से एक विधि माना जाता है, यानी क्लासिकल मेथड, शास्त्रीय, बहुत पुराना है? हाँ बिल्कुल। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित किया जाता है? वही आगे तो इसके पहले था ही, एडिशनल रीडिंग मटेरियल, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल। ये हिंदी पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी के संदर्भ में ये सवाल किया गया है कि अतिरिक्त पठन सामग्री भाषा के विकास, पूरा नहीं लिखा क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए और कुछ पठन सामग्री स्कूल सप्लाई करता है, बच्चों को देता है, किस लिए देता है? ताकि आप और अच्छे ढंग से भाषा सीख सके। सामान्य ज्ञान वृद्धि के लिए वो नहीं दिया जाता है, ये भाषा विज्ञान का क्लास है, लैंग्वेज का, तो आंसर क्या होगा? पढ़ने में रुचि जगाना और भाषा ज्ञान में वृद्धि करना। अरे बाप रे बाप, पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता? तुम रीडिंग करते हो,
काहे लगी कोई चीज पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो या फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब पढ़ते हो, क्या उद्देश्य होता है? समझने ना, कि जो पढ़ रहे हैं वो हमारा समझ में आवे, अन्यथा अगर ये मकसद नहीं है तो पागल है आदमी, काहे कोई पढ़ेगा कोई चीज को। तो उसमें जो जो बात कही गई वो समझ में आ जाए, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं उसको। तो क्या हो गया? अर्थ ग्रहण करने के लिए ये गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका, तो केस लड़ी, केस उस लड़ करके वो आ रहे थे इंडिया, तभी वहां पर रोक दिया कि भाई देखिए जो कंपनी का केस लड़ रहे थे वो लोग बोला कि एक और मामला है जो बहुत जबरदस्त है, और वो है कि विधानसभा का जो में जो प्रतिनिधि है बिल, प्रतिनिधि बिल, उसमें भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व करने से रोका जा रहा है, तो आप भारतीय लोगों को अपने ही देश के विधान मतलब वहां पर रोका जा रहा है, आप इसका विरोध कीजिए और विरोध करने के लिए आप अभी यहीं रुक जाइए। तो गांधी जी जवाब दिए कि बिल्कुल हम रुक ही नहीं जाते हैं, बल्कि इसके लिए हम कोई फीस भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये सामाजिक काम है। हेलो, समझ में? यही निचोड़ है इसका। अब इतने निचोड़ के आधार पर आप सारे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। हाँ, गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने है वो तो आप देख लीजिए ना, तो वो तो दे दिया होगा। कौन कंपनी है? हो कौन कंपनी का नाम है? अब्दुल्ला एंड कंपनी। तो अब्दुल्ला एंड कंपनी संस नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जिस दिन गांधी जी को लौटना था उस दिन उनके सम्मान में रात्रि भोज यानी डिनर का आयोजन किया गया था। तो वही सवाल बा कि रात्रि भोज का आयोजन किसकी विदाई? तो गांधी जी की विदाई के लिए किया गया था, तो महात्मा गांधी। गदांश में किस समाचार पत्र का उल्लेख किया गया है? नेटाल टाइम्स ना हो, मरकरी, वो तो देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। यही तो हाँ ओकरा में देले है ये। जी 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 जी, मताधिकार संशोधन विधेयक का क्या उद्देश्य है? भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना, छीन लेना उनका मताधिकार। लोग गांधी जी से रुकने का आग्रह करने लगे, क्योंकि क्योंकि वह गांधी जी से प्रेम करते थे? नहीं, उन्हें गांधी जी का स्वाद नहीं, वे चाहते थे गांधी जी उनके लिए मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करें। गांधी जी ने मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए कोई शुल्क क्यों नहीं लिया? विरोध करना प्रिय था, व्यक्तिगत कार्य रहता तो ले लेते, सार्वजनिक कार्य था, जनता सेवा, होश उड़ना का मतलब क्या हो जाना है? घबरा जाना। अभी एक और हो तो ना हो। अच्छा, स्वदेश का विलोम शब्द विदेश है ना, होगा विपरीतार्थक स्वदेश के विदेश है ना, होगा तो हो गया, पड़ोसी देश नहीं, तो स्वदेश माने अपना देश और विदेश माने फॉरेन कंट्री, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना हुआ जी। भारतीय शब्द में कौन है प्रत्यय? भारतीय और भारती, यह है भारत, भारत से भारतीय बनाएंगे तो ये ना लगेगा, ये सी होना चाहिए, तो हाँ जी, तो सी तो है, यही जोड़ेंगे तब ना बनेगा भारतीय, ये नाउन है, नाउन से विशेषण बना है, तो कौन सा सफिक्स जोड़ेंगे? ये वाला, ये वाला। ये कहता है
कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आप परिस्थितियों से घबरा करके अपना लक्ष्य नहीं बदलते हैं, आप अडिग रहते हैं हर परिस्थिति में, तो मंजिल पाना आपके लिए आसान आसान नहीं तय है। ये जो पद है ये आपके इच्छा शक्ति दृढ़ निश्चय के ऊपर है कि दृढ़ निश्चय व्यक्ति अपने लक्ष्य पाने के लिए जिद पर अड़ा रहता। बड़ा सिंपल सा, बस इतने तो है। देखा भैया, कवि का मुख्य भाव है क्या है? दृढ़ निश्चयात्मक, यही मुख्य भाव है, दृढ़ निश्चय रहिए। कवि के अनुसार जीवन में सबसे जरूरी है क्या है? संभलना। हाँ, अपने रास्ते पर जा रहे हैं, दाएं बाएं अगर गड्ढा है, खाई है, तो गिरना नहीं है, भटकना नहीं है, भागना नहीं है, संभल संभल के चलते जाना है। तेरा के अब काहली हो, अंधेरा प्रतीक है कठिनाइयों का, अंधेरा घोर निराशा, अविश्वास नहीं गिर जाने का, ओह कठिनाई होगा। तो चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण चिंतित, बहुत आसान है। है वो पोएम में अंधेरा शब्द आया है, तो अंधेरा देखो बाबूआ, देख कोई भी शब्द के, जैसे हम मान लीजिए एक शब्द ये कुर्सी, सुन ले, ये बहुत बुनियादी बात बतावे जा रहे हैं कि कोई भी शब्द, मतलब कोई भी नहीं, मतलब ज्यादातर 60-70% जो शब्द है हिंदी इंग्लिश उर्दू बंगला में, ओकर दू मीनिंग होता है। ये बहुत काम की चीज बता रहे हैं। एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। अब इसको हिंदी में बताते हैं, कोई भी शब्द का दो अर्थ, एक उसका प्राकृतिक यानी असली अर्थ, मौलिक अर्थ असली, और दूसर का आर्टिफिशियल मतलब बनावटी यानी नकली अर्थ। ध्यान से सुन कि किसको कहते हैं असली और किसको कहते हैं नकली अर्थ। अब ये कोई भी आप कोई वर्ड ले लीजिए ना, चलिए हमें वो ले लिए कुर्सी। कुर्सी का नेचुरल मीनिंग क्या है कि कुर्सी का मौलिक अर्थ क्या है? कुर्सी का मौलिक अर्थ है वो लकड़ी वाला कुर्सी जिस पर आप बैठते हैं, जो घर घर पाया जाता, वही वहाँ उसी के लिए इस शब्द का, उसी को बताने के लिए इस शब्द का जन्म हुआ कि भैया ये कुर्सी हो। बाद में अब इसका नकली अर्थ लोगों ने कई एक लगाना शुरू कर दिया। एक इसका नकली अर्थ जो सबसे ज्यादा अभी यूज हो रहा है वो क्या है? सत्ता के अर्थ में, कि आज कुर्सी के लिए मारा मारी हो रहा है, कुर्सी के लिए लोग घोर अपराध कर रहे हैं, तो लकड़िया वाला कुर्सियां लगी कर रहे हैं नहीं, सत्ता के लिए। ये जो कुर्सी का अर्थ अभी बता रहे हैं, ये जो कुर्सी का अर्थ बता रहे हैं, ये कुर्सी का नकली अर्थ है, बनावटी अर्थ है जी। असली अर्थ है वही लकड़िया वाला चार पैरों वाला कुर्सी जो आपके घर में होगा। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा कि कोई भी शब्द का दो अर्थ होता है, एक असली और दूसरा नकली। कविता में काव्य में लगभग जितने भी शब्द का प्रयोग होता है उनका नकली अर्थ ही आपको निकालना है। अंधेरा का तो असली मीनिंग क्या हो गया? जो अभी 7-8 बजे के बाद जो अंधेरा छाएगा वो, लेकिन ओकर बाद लोग यूज करते हैं, अरे उसकी जिंदगी में तो अंधेरा छा गया, जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, भरी दोपहरिया में अंधेरा छा गया। ये कौन तरह का अंधेरा है? ये 7 बजे के बाद वाला अंधेरा ना है, ये नकली मीनिंग बताने वाला अंधेरा है। तो यानी कि यहाँ पर पद में जो पोएम में जो अंधेरा का सेंस यूज हुआ है वो है कठिनाई के अर्थ में। आई बात समझ में? काहे ला समझेगा ये सब?
हाँ यार ठीक कर निम्न में से भिन्न शब्द ए, अब अगर एकरा नहीं बताओगे तो बड़ी मार मारेंगे। वो तो आंसर है, कारण बताओ। आज बोल को आज पहली बार इसका आवाज हमको सुनाई पड़ा है। आवाज तो बहुत मीठा है। आई अगर घरे के रिकॉर्डिंग अगर कोई तुमको दिखा देना, ये घरवा में जो बोलती है ना मकानवा तक हिलता है डरता है। यहाँ देखिए कैसे एकदम शांत बैठा लो, कितना सीधी लड़की है। बोलो, ये तो हम लोग मजाक कर लिए थोड़ा सा। हाँ बोलो बोलो, तीन गो एक तरफ क्यों है, जो बोलिए उसी को दोहराओ ना। बात मारेंगे आज, उतार के मारेंगे आज। तीन एक जातीय है, एक वो भिन्न है। वो कौन है और किस आधार पर भिन्न है, बचवा भी जवाब दे देगा। 2-3 क्लास के बच्चा जवाब दे देगा। महान आदमी, ये संज्ञा ये क्रिया है। नहीं समझ में आया? जब व्याकरण के टेस्ट ले रहा था तुम सोचे यही ना शब्दों का भेद ना जानना चाहेगा। तीन को संज्ञा, एगो क्रिया, तो क्रिया आउट हो गया, यही आउट में आउट है। खाली बस दशहरा आई लव 5,000 के सूट ले लेना है, चाहे जो हो जाए। मम्मी को बोल दिए हैं कि पापा को पहले ही कह दो। पापा के तय ना हाथ पैर कांपना शुरू हो गया। 5,000 के सूट आए वो ऑडमैन आउट कहली करेला तो नहीं करके। अंत तक चलने से क्या मतलब है भाई? अंत तक चलेंगे मतलब हम थक कर हारेंगे नहीं। गुड गर्ल, वेरी गुड। तो लक्ष्य प्राप्ति तक चलना। अब वो अंग्रेजी वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हो देखो इसमें जो डज, देख देख देख, डज नॉट को अगर मिला करके लिखोगे तो ये लिखा आएगा डजंट। डजंट सही लिखा हुआ है एकरा में। डजंट इसको कहते हैं दो शब्द मिला करके एक शब्द लिखना, ठीक है। लड़का गलती अगर कर रहा है लिखने में, बच्चा अगर व्याकरण का, स्पेलिंग का, शब्द के चॉइस का अगर गलती कर रहा है, तो इसे टीचर को क्या समझना चाहिए? 100% यही समझना चाहिए कि बच्चा सीख रहा, तबे गलती कर रहा है। तो एरर्स आर इंडिकेशन ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का ये संकेत है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप सीखने का संकेत दे रहे हैं। बाधा, हैम्पर माने बाधा डालना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू क्रिएट प्रिंट रिच एनवायरमेंट। अब बताइए कि स्कूल में ये चारों चीज है, कौन एक चीज है जिसका छपाई से कोई लेना देना नहीं है? कौन एक चीज है जेकर छपाई से कोई लेना देना नहीं है? अब क्लासरूम के किसी कोना में या स्कूल के कोना में तरह तरह के खिलौना रखा हुआ है, वो अलमारी में क्या बाहर से देखिए तो वो छपा हुआ चीज है। बाकी तीनों छपल ना चीज है, हो प्रिंट चीज ना कह रहा है तो प्रिंट मटेरियल बाकी तीनों है। खिलौनों में छपाई नाम की तो चीज नहीं है। क्रिएटिंग ए रीडिंग कॉर्नर, तो रीडिंग कॉर्नर का मतलब तो छपा हुआ चीज है, उसी को ना आप रीड कर पाइएगा, पढ़िएगा। तीनों में छपा हुआ चीज की बात कर रहा है, इसमें नहीं है, इसमें खिलौना है। एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स ए क्लास टू डिजाइन एंड प्रेजेंट ए पावर पॉइंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हाँ, अब बच्चा को एक प्रोजेक्ट दिया गया क्या करने के लिए, एक्टिविटी दिया गया कि वाटर कंजर्वेशन यानी पानी को कैसे बचाइएगा इन ए टारगेट लैंग्वेज, उस पर लिखने के लिए। तो ये किस तरह का, अब ये वही बच्चा लिखेगा जिसको साइंस का ज्ञान है कि वाटर कंजर्वेशन यानी पानी को कैसे बचावेंगे। तो ये तो भाई एक विज्ञान का विषय है,
तो पहला तो कि विज्ञान की जानकारी होना चाहिए, और जब आप इसको लिख रहे हैं तो आपको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो नतीजा क्या है, भाषा और साइंस दो दो क्षेत्र का है, तो इसको कहेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी। हाँ हाँ ए लैंग्वेज टीचर शुड गिव टास्क दैट कैन बी डन इन पेयर ग्रुप वर्क, बिकॉज अगर हम जोड़े में बच्चे को काम देते हैं करने के लिए, जोड़ा में या ग्रुप में, तो इससे क्या फायदा होता है। पेयर वर्क या ग्रुप वर्क जो कराया जाता है, तो इससे इसका उद्देश्य या मकसद क्या है, या इसके फायदे क्या, बोलिए। चिल्ड्रेन विल बी एबल टू फिनिश देयर वर्क क्विकली, बकवास। इट मिनिमाइज टीचर्स, बकवास। चिल्ड्रन सपोर्ट एंड ला, हाँ जी, या ए नाम का बच्चा और बी नाम का बच्चा, ये ग्रुप में अगर काम कर रहा है तो दोनों एक दूसरा से सीखेगा। जी जी बिल्कुल, हाँ। अब इसको क्या कहते हैं, कैसे, एग्जाम्पल से रूल। एग्जाम्पल से रूल अगर हम बना रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, इंडक्टिव मेथड कहेंगे। उल्टा दे दीजिएगा तो डिडक्टिव हो जाएगा, रूल पहले एग्जाम्पल बाद में। जी हाँ जी, ये तो आज पूरा परिचय दियो एकदम विद्वान होने का हो। व्हाइल राइटिंग ए टेलीग्राम, अगर आप, हालांकि टेलीग्राम तो अब खत्म हो गया, लेकिन पहले टेलीग्राम अगर लिखा जाता था तो उसमें था कि आप कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। अब तो खत्म हो गया, मदर इल कम सून, तो होता था क्या ना कि पोस्ट ऑफिस वाले शब्द के हिसाब से आप चार्ज लेते थे, तो 4 शब्द आप लिखे हैं तो 10 रुपये शब्द मान लीजिए चार्ज होगा, तो 40 रुपये आप दे दीजिए, ये टेलीग्राम आपको जहाँ भेजना है तुरंत मिल जाएगा, घंटा 2 घंटा के अंदर उनको खबर मिल जाएगा। ये आज से 40-50 साल पहले, चिट्ठिया 1 हफ्ता न लगेगा पहुँचने में, ये फोन के जैसा काम करता था। हाँ बाप रे बाप, अगर मान लीजिए कोई आ गया ना दरवाजा पर डाकिया, और अगर बाहर से चिल्लाया कि आपका टेलीग्राम है, जितना घर के आदमी है ना अंदर, वो अंदर सब सूत जाता था कि जरूर कोई सबसे बुरा खबर ऐलो होता। टेलीग्राम का मतलब एकदम इमरजेंसी वाला खबर भेजना। कौन वाला हो, आई सॉरी, ब्रेविटी। ब्रेविटी मैंने संक्षिप्त 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 में आपको लिखना होगा। हाँ, जी, पर्सनल एब्रिविएशन का मतलब है कि आप अपना, अपने नाम अगर दे रहे हैं तो वहाँ पूरा मत लिखिए, CMP लिखिए, मतलब संक्षेप ऐसा एब्रिविएशन, मतलब शब्दों के जो जैसे VIP है, तो ये क्या हो गया, ये एक एब्रिविएशन है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का। तो उसी तरीके से आप जो है ना हर जगह आप अपना मदर में लिख दीजिए M, ऐसे कर दीजिए, आई कर दीजिए इल, तैयो जब MO लिखिएगा ना तो वो एक वर्ड काउंट हो जाएगा, तो फिर कहा है ना मदर लिख दे। बड़ी बड़ी झंझट है यार जिंदगी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली, हाँ, एलिसिट रिलेवेंट रूल्स ऑफ ग्रामर इन कंटेक्स्ट, प्रोवाइड द फॉर्म इन प्रैक्टिस इन रियल लाइफ। हाँ, तो ग्रामर हम कैसे, ग्रामर हम अच्छे तरीके से कैसे सिखा सकते हैं, प्रोवाइड द फॉर्म इन प्रैक्टिस इन रियल लाइफ, ठीक है।
मत, हाँ बता रहे हैं, बता अंतर ना ही। बहुत आंसर गलत दे रहे हैं, सुन बता रहे हैं। नहीं तो इसका मतलब है, नाम देख लिया, इसका मतलब है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। एक्चुअली यहाँ पर नॉट शब्द छुटा हुआ है, नॉट रहेगा ना तो वास्तव में बाकी तीनों मेथड सही है, ये रटंत वाला जो है ना तब आंसर इसका डी सही है, बाकी तीनों सही है। नॉट लगा दो। व्हाट इज ए टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग? टास्क क्या दिया जाता है? हाँ होमवर्क है, टास्क है, आपको करना है। बोल दीजिए पीस ऑफ वर्क विच एनेबल्स लर्नर टू डू एन एक्टिविटी, वही हो गया आपका आंसर। वाह वाह, माने टास्क मिलेगा बच्चा के और करेगा और माए बाप, पागल, माए बाप करने के लिए दिया जाता है। एक नंबर आंसर हो गए यार। हाँ ए टीचर गेव ए रूट वर्ड, अब मान लीजिए हम दे दिए आपको लव, नहीं नहीं पॉपुलर, चलो हिंदी, अच्छा अंग्रेजी ना है, हाँ पॉपुलर, ये हम रूट वर्ड दे दिए। अब बोले कि इससे जरा सा चार गो वर्ड और बना दो, तो आप इसमें जोड़ दीजिएगा आई टी वाई तो हो गया पॉपुलरिटी, आप इसमें जोड़ दीजिएगा अन तो हो जाएगा अनपॉपुलर, ठीक है ना, और पॉपुलराइज, मतलब चार पांच गो वर्ड बन जाएगा। तो ये प्रेफिक्स और सफिक्स जोड़ करके रूट वर्ड में चार पांच गो नया नया वर्ड बना देते हैं, तो इसको क्या कहता है, वोकैबुलरी बढ़ेगा और तो, हाँ उपसर्ग प्रत्यय। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज मेथड एडवोकेट्स लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस? कम्युनिकेटिव अप्रोच, मतलब आप भाषा सीखे हैं तो आप कॉम्पिटेंस हैं, कॉम्पिटेंस मतलब आप योग्य हो गए, लेकिन अगर आप उसका प्रयोग भी कर देते हैं तो आपको परफॉर्मेंस भी करने आता है। जी जी जी, लर्नर्स अंडरगो स्टेज। देख अगर किसी को लिखने हमको सिखाना है तो हम कैसे सिखावेंगे कि आप एकदम लिखने में पारंगत हो जाइए? हम क्या करें कि हम आ करके एगो प्रवचन दे दें और उसके बाद बोल दिए कि चलो इसको सीख लियो ना, वो अपने से लिखना शुरू कर दो। कोई भी लड़का नहीं सीख पाएगा ना लिख पाएगा। हमको एक एक कदम एक एक स्टेप पर उसको सिखाना होगा कि पहला वाक्य कैसे लिखाता है, दूसरा वाक्य कैसे लिखाएगा, दोनों में कंजंक्शन कौन सा प्रयोग होगा, टेंस को, ये जो हम पूरा प्रोसेस से आपको सिखावेंगे इसको ही कहा जाता है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। लैंग्वेज इज ए सोशल कॉन्सेप्ट, दिस इंक्लूड्स द आइडिया दैट लैंग्वेज इज अक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, हो गया। वाइगोत्स्की का है ना कि लैंग्वेज जो है ना वो सामाजिक मतलब प्रक्रिया है, समाज से ही सीखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि समाज से हम कैसे सीखते हैं, इंटरेक्शन करके, बातचीत करके ना, तो इंटरेक्ट समाज में इंटरेक्शन कीजिएगा तो भाषा सीखिएगा। अरे यार तब तो कोई बातें नहीं था, तो शेक्सपियर के बेटा भी शेक्सपियर बन गया होता, कोई नहीं जानता कि शेक्सपियर के बेटा कौन था, एकदम समाज से सीखता है ना, सोशली एक्वायर्ड है। ए स्पीच कम्युनिटी केकरा कहते हैं? जो एक तरह के लोग होता है, एक तरह के भाषा बोलता है, एक तरह के लोग क्या होता है, शेयर होमोजेनिटी विथ रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम आर बाइलिंगुअल, नहीं शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप नो आर मल्टीलिंगुअल। हाँ स्पीच कम्युनिटी का मतलब एक ही भाषा बोलने वाले कम्युनिटी आओ का। अब हम लोग का हिंदी बैकग्राउंड है, ठीक है ना,
हम अपने आसपास का मैंने हिंदी यही चीज ना सीखेंगे, अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी कल्चर का चीज हम हिंदी भाषा का प्रयोग करके नहीं ना सीख सकते हैं। वो तो अंग्रेज, वो अंग्रेज जो इंग्लैंड में रह रहा वो सीखेगा, एक जैसा समरूपता, एक जैसा इन लैंग्वेज लर्निंग या स्टोरी टेलिंग। बाप रे बाप, भाषा सिखाने में कहानी सुना सुना के भाषा अगर सिखाते हैं तो कौन सा हुनर आपका हम विकसित कर रहे हैं? मोरल, खैर, लिसनिंग, सब एकदम, मैंने इतना बढ़िया बढ़िया चीज को भी बिगाड़ के आवेगा। लिसनिंग स्किल आपका हम डेवलप कर रहे हैं, हम कहानी सुना रहे हैं और आप पूरा कहानी को समझ करके आप उसकी सारी बातों को समझ गए, इसका मतलब आपका लिसनिंग स्किल। हम जब बोल रहे हैं और तू सुन रहे हो तो उसमें लेखन कार्य हो ही नहीं रहा, तो आपका लेखन कार्य कैसे विकसित करेगा? तो हाँ, बहुत ऐसी को कहते हैं पूरा पागल, जो जो जवाब तक सीमित रहना चाहिए था। देखिए बगावती आदमी को, उसको ना दे करके कहेगा कि ओकर बाद हम लिख लेंगे, तो उन्हें वो हमारा गुण ना विकसित किया। समझ रहे नहीं सर? आप घरों में यही ड्रामा करते होंगे। कदापि नहीं, वो एरू गैरू लिखने की स्किल की बात नहीं कर रहा है। फॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग वो तभी डेवलप करेगा जब हम राइटिंग वाला तरीका आपको सिखाएंगे तब। लिसनिंग वाला तरीका से आपका राइटिंग नहीं सुधरेगा, दोहरावाना सुधरेगा, लेकिन बोलेंगे हम जरूर, बोलेगा नहीं हो सकता है आंसर वो वही दे के आवे। अभी सब पैसे तुम लोगों को देना है, अंग्रेजी है तुम्हारा? हम तो बहुत जवाब दे देते हैं। देखो ये हाथी की कहानी है, हाथी को अपने बचवा से कितना लगाव और कितना प्रेम है कि जैसे इंसान को, यानी इंसान में माँ, मदर, मदर को अपने बच्चे से जो लगाव होता है। अरे तो कहानी हम 4-5 साल पहले पढ़े थे, गजब की कहानी, ऑस्ट्रेलिया की एक महिला की कहानी है कि बच्चा उसका मर गया, 6 महीना का था। हर डॉक्टर, हॉस्पिटल जहां जहां गई, कई एक जगह गई, सब डिक्लेयर कर दिया कि ये बच्चा मर गया। उस माँ को विश्वास ही नहीं हुआ कि मरेगा, या मर भी गया तो कसम खा ली कि इसको जिला देंगे। जानते हो क्या, कि 6 घंटा तक उसको गोदी में रखे रही और 6 घंटा तक उसको ऐसे पीठ उठ सहलाते रहे, बच्चा जिंदा हो गया। ये सब मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, हकीकत है, जिंदा हो गया बच्चा। तो मेडिकल साइंस तो किताबी बात खाली करता है ना, ये सब किताब उतब जहां खत्म होता है वहां उसके बाद ये सब चीज शुरू होता है। माँ का ममता, माँ का प्रेम और माँ का आशीर्वाद और माँ की शक्ति वो खींच लेगा मौत के मुंह से। वही काम किया ये हथनी, ये हथनी जो है इसका बच्चा मर गया और 2 गो खूंखार शेर जो है, बाघ शायद, वो उसको खाने के लिए, तो कोई भी आदमी सोच जाए कि मर गए क्या, तब हम इसको बचा क्या करेंगे। 2 दिन तक उस लाश को लेके बैठी रही और लेकिन भगवान के से, या से शायद जो भी हो, बाघ है क्या है, ना ना वो तो एलिफेंट काऊ ना, मादा एलिफेंट को एलिफेंट काऊ कहते हैं, है लायन है हाँ, तो वो शेर को लेकिन नहीं है तो नहीं है खाने दी। ये कम वाली बात है, कितना प्रेम है, जबकि वो जान गई कि मर गया है और उसको अपने सुढ़वा में उठा करके वो घूम रही थी। यही है कहानी, यानी कि जानवर को भी अपने बच्चे से लगाव और प्रेम होता है। हाँ ये देख लेते हैं, तो आप जवाब दे ही दीजिएगा। द एलिफेंट काउ का मतलब हो गया, इसका मतलब होता है मादा हाथी। हाथी तो ऐसे नहीं लिखा गया हो, हाँ
एलिफेंट काउ कैरिंग अबाउट हर डेड काफ। डेड काफ कहते हैं किसको? हाथी के बच गाय के बछड़ा को भी काफ कहते हैं और हाथी के बछड़ा को भी काफ ही कहते हैं। वो इधर उधर ले करके उसको घूम रही थी, अबाउट माने इधर उधर, मरे हुए बचवा को। क्यों? बॉडी इल फॉर बोथ ऑफ देम एक्सप्रेसेस हर होप दैट नो एक्सप्रेसेस हर फॉन्ड बिलीव दैट इट इज नो रिवील्स हर एक्सट्रीम लव फॉर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, उसको अपने संतान के प्रति अपार प्रेम था। ठीक है, बाप रे। द एलिफेंट काउ, वही मादा हाथी, स्क्रीम्ड, ये चिल्लाई है, वो जोर से चिघाड़ मारी है। क्यों? क्योंकि उसको चोट लगा हुआ था। नहीं, लायंस आर स्केयर, नो, सी हैड सीन टू हंग्री लायंस रेडी टू अटैक हर। वो चिल्लाई है, मतलब जंगल में जो रहने वाला जानवर होता है ना, उसको पता होता है कि सब एक दूसरे को जानता है कि किस जानवर को के साथ क्या करना चाहिए। ऐसे भी किताबों में भी लिखा हुआ है कि अगर आपको शेर या बाघ, शेर से खास करके अगर सामना हो जाए और एकदम आप निहत्ता है, कुछ नहीं है, तो आप एक काम कीजिएगा तो 10-20% चांस है कि हो सकता है कि बच जाइए। जितना ताकत हो सके ताकत से आप लगा करके आप चिल्लाइए, आपके चिल्लाने से हो सकता है वो भाग जाए, अन्यथा वो तो 200-250 किलो के है, वो कितना ताकतवर है वो हमको कहने की जरूरत नहीं है। शेर से आमना सामना हो जाएगा तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा, क्या करोगे हो अगर आमने सामने आ गया। नहीं नहीं, वहां कोई ऊपर डरे उरे वो तो वो आदमी है कि तो वो समझ आएगा कि अच्छा डर गया है तो माफ कर दो। इस रूम में तुम बंद हो, एगो शेर है एगो तू हो, अब कहीं चढ़ भी नहीं सकते, चढ़ोगे तो उतना दूर छलांग लगाना तो उसके लिए बाया। एक बार क्या हुआ ना कि वही दिखा ही रहा था, 8-10-6-7 साल पहले की बात है, कि वही गया जू था, बाघ शेर सब रहता था उसमें, अब बहुत ऊपर से लोग देख रहे थे, उसमें एक आदमी जो इतना तेजी से जरा ज्यादा लटका ना से सीधे गिर गया, नहीं नीचे जहाँ बाघ घूम रहा था, शेर घूम रहा था, ऊपर से देखने के लिए बना हुआ था, सरकारी थी सुविधा था, लेकिन वो इतना ज्यादा लटक गया ना कि वो गिर गया, और कम से कम तो 30 फीट नीचे था, गिर तो गया, जैसे ही गिरा एगो शेरवा उसके पास आ गया। अब ये बेचारा ऐसे नहीं बच गया था, ये ऐसे करके हाथ जोड़ करके रो रहा है, और शेरवा आया 1-1.5 मिनट इसको देखा, उसको फील हुआ कि मैंने माफी मांग रहा है, रो रहा है, छोड़ दिया, छोड़ के जाने लगा। एक आदमी ऊपर से लड़का था, वो बड़का ढेला मार दिया, आप देखे होंगे टीविया में, वो मारा जो पत्थरवा ना, वो काल हो गया उसका, उसके बाद कुछ नहीं किया, वो पीछे मुड़ा अपना पंजवा से उसको, वो जो बेचारे जो फंसा हुआ था, एक बार खाली ऐसे तो मार, इतने में तो मर गया, एक बार ऐसे पंजवा उठाया और ऐसे करके मारा, कहानी खत्म उनका। और लड़का बिहार के था, गया के जी। बताइए कौन बेवकूफ आदमी जो पत्थर का हल मार दिया। हाँ वो तो जा रहा था, तब तक वन विभाग वाले आने वाले थे, बचा ही लेते, काल घेर लिया एलिफेंट का। चलो आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी करो, बाप रे अभी तो बड़ी मेरी बाकी है। विच आर नॉट ट्रू, when the corporal went on his rounds again he was surprised। हाँ, जब वन अधिकारी जब देखने गया तो क्या देख के भौंचक्का रह गया, देखा कि अभी तक वो जो है ना वो हथनी जो है अपना बचवा को, both the elephant cow and lioness had maintained their respect। No, one of the lions had been gored. The lions not true ना, तो यही हो जाएगा। गोड का मतलब जानते हो? सिंह से मारना, गाय भैंस
ये अगर सिंह से मारता है, हालांकि हाथी को तो सिंह होता नहीं है, तो सूंड से मारता होगा और क्या। चलिए जल्दी जल्दी करो, बड़ी तेजी हो गलो। द पर्पज ऑफ द ऑथर इज टू शो दैट द एलिफेंट एंड नॉट द लाय नाउ डिस्क्राइब ए सीरियस का नाउ शो दैट द एलिफेंट इज ए हाई नाउ अंडरस्टैंड द लव ऑफ एन फेलमेंट का फॉर हर ऑफ स्प्रिंग। माय बेटे का प्रेम, जल्दी जल्दी करो। फ्यूरियसली का मतलब क्या होता है? फ्यूरियसली का मतलब हो गया एकदम गुस्से में उफान कर रहा, फियर्सली। द एलिमेंट इज परहैप्स द मोस्ट डैश द अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज। वो परहैप्स को कह रहा, तो परहैप्स का सिनोनिमस वर्ड है पॉसिबली, संभवतः। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन द लव ऑफ एन एलिफेंट। अभी तो दिले है ये ना, तो देखना को चढ़ा। अब इसमें क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ द फॉलो, इसमें गलती क्या है? फॉर बेबी ब्रेस्ट, फॉर बेबीज बच्चे लोगों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ का दूध इज मोर सुपीरियर। सुपीरियर के साथ मोर का प्रयोग नहीं होता है, खाली हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो गया। ये साउथ इंडिया का एक कोई है लोग है जिसको बाल बच्चा नहीं है, तो ये अपना मन लगाने के लिए एक आध बार तो सुसाइड उसाइड करने के लिए बारे में भी सोचा, लेकिन पति रोक दिया कि सुसाइड मत करो, तो सुसाइड तो नहीं किया, लेकिन तब फिर कौन सा काम शुरू किया? पेड़ लगाने का, वन रोपण करने का, खास करके बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़ खूब लगा दिया। वन रोपण में अपना मन लगा दिया और जिंदगी काट लिया। तो यही है निचोड़ कि आप जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, ये नहीं है कि यही काम करेंगे। समाज के लिए, समाज को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, ये सब के लिए बहुत सारा काम है भाई, करिए ना। चलिए, द थीन मक्का डेडिकेटेड हर लाइफ टू प्लांटिंग ट्रीज बिकॉज, ये पेड़ वन रोपण पेड़ लगाने में अपना जीवन समर्पित कर दी। क्यों? क्योंकि सी हैड ग्रेट नो, सी विल नो, सी कुड नॉट हैव चिल्ड्रेन, बाल बच्चे इसको नहीं थे। थिमक्का डिसाइडेड टू प्लांट बनियान ट्रीज इन द विलेज नियर बाय बिकॉज, ये अपने गांव के आसपास में ही बरगद का पेड़ लगा रही थी, लगाई थी, किस लिए बताओ जल्दी? देयर वेयर प्लेंटी ऑफ बनियान ट्रीज नियर। हाँ, तो और भी लगा दी, ठीक है। 46, जल्दी जल्दी करो यार। Which of the following is not true according to the passage? Every Ithaca and her housemaid walked 4 kilometers to water. इसमें कौन सा है वो सही है? पढ़ के बना तो दिलिए हल। सॉरी, उसको इस काम में कहीं से कोई मदद और दान दक्षिणा नहीं मिलता था। आइए कह रहा है, दे रिसीव्ड जेनरस मटेरियल सपोर्ट, उनको पैसा कौड़ी और पेड़ पौधा का सैपलिंग वगैरह मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था, सब उसको अपने जुगाड़ करना पड़ता था। ये गलत जानकारी है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, आफ्टर द इनिशियल इंथ्यूजन थिनमक्का हस्बैंड लॉस्ट इंटरेस्ट। बकवास, ये गलत है, गलत है। दूसरा, थिनमक्का रिसीव्ड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम नेबर्स, किसी कहीं से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। दोनों कथन गलत है, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। Which one of the following words has been the same meaning as constant का मतलब हो गया रे बाबा लगाम, लगाम, control। तो क्या हो जाएगा? Restriction, ठीक है। अपोजिट मीन वर्ड कॉजल का मतलब हो गया, कैजुअल का मतलब हो गया आकस्मिक,
तो आकस्मिक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये वो तो है दिमाग। देखो दिमाग तो तुमको है ये है, लेकिन तुम और ज्यादा दिमाग लगा देते हो। अच्छा इसमें कहाँ गलती है? He asked me, WH word के पहले that कंजंक्शन।